हे गाइज, मेरा नाम है अरुण। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से यूट्यूब का मज़ा ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ऊपर टाइटल व थंबनेल में पढ़ चुके होंगे कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको यूट्यूब को पैसे देने होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना, क्या आपको यूट्यूब पर चैनल बनाने के लिए रुपए देने होंगे? फ्रेंड्स, जब मैं कल यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो एक वीडियो सामने आई जिसमें लिखा हुआ था कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको यूट्यूब को रुपए देने होंगे। तो मैं हैरान रह गया। तो मैंने सोचा क्या सच में YouTube को रुपए देने होंगे? तो मैंने पहले सोचा हो सकता है कि YouTube ने कोई रूल जारी कर दिया हो, क्योंकि YouTube पर बहुत ही सारे यूजर्स जुड़ चुके हैं, इसलिए YouTube ऐसा नियम ला सकता है। फिर मैंने उस वीडियो को देखा तो अंदर वीडियो के कुछ नहीं था, सिर्फ बकवास के। तो मैंने सोचा क्यों ना सच्चाई सामने लाई जाए, और मैंने YouTube की सभी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ा। तो फ्रेंड्स, बता दें कि YouTube द्वारा अभी ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है जिसमें लिखा हो कि YouTube पर चैनल बनाने के लिए आपको रुपए पे करने होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इन फ्यूचर में हो सकता है कि YouTube द्वारा कोई ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए, क्योंकि YouTube पर क्रिएटरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए YouTube फ्यूचर में कोई भी ऐसा एक रूल ला सकता है कि आपको YouTube चैनल बनाने के लिए कुछ अमाउंट पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आकर सभी लोग फ्री में चैनल बना लेते हैं और फ्री के चक्कर में अच्छे क्रिएटर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर पैसे का सीन आ जाएगा तो वही क्रिएटर चैनल बनाएंगे जिन लोगों के अंदर टैलेंट होगा, जिनको विश्वास होगा कि मैं यूट्यूब पर कुछ कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।